अवैध शराब की बिक्री करने वाले आरोपी को अजनी पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग के दौरान गिरफ्तार किए जाने की जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनोद चौधरी ने साझा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आरोपी से लगभग 30,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया है। अजनी पुलिस डीपी पदक के साथ कश पर थी, जिस दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि आरोपी गणेश तुपारी यह अवैध तरीके से शराब बिक्री कर रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को धर दबोचने में कामयाबी हासिल की। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनोद चौधरी ने अधिक जानकारी साझा की। आज आम्ही डीबी पथकासह जोगीनगर या भागामध्ये पायदळ पेट्रोलिंग करत होतो, तेव्हा आम्हाला माहिती भेटली की त्या एरियामध्ये राहणारा गणेश नामदेव दुपारे वय 47 वर्ष राहणार जोगीनगर गली नंबर 11 हा अवैधरीतीने दारू विक्री करतो। अशा माहितीवरून आम्ही त्याची घरझडती घेतली असता आम्हाला तिथे विदेशी दारूच्या एकूण 189 सिलबंद बॉटल आम्हाला भेटलेल्या आहेत। त्याची एकूण किंमत अंदाजे 30,000 रुपये आहेत आणि आम्ही त्याला ताब्यात घेऊन त्याच्यावर आम्ही पुढील कारवाई करत आहोत। इस दौरान उन्होंने बताया की गिरफ्तार आरोपी से लगभग 30,000 का मुद्देमाल जब्त किया है और इस संदर्भ में आगे की कार्रवाई जारी है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।